तो थोड़ा इस तरीके के फ्रॉड से बच के रहें। अगर कोई बैंक फाइनेंस के लिए बुला रहा है या इस तरीके के फाइनेंस के लिए बुला रहा है, तो ध्यान रखें कि कहीं ऐसा धोखा आपके साथ तो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं और कहते हैं कि सर हमें बैंक का पता नहीं है और कौन बैंक देगा नहीं देगा, बैंक में जा रहे हैं प्रॉब्लम हो रही। उनको जाने में भी अगर दिक्कत है, वो बैंक नहीं जा सकते हैं और फिर भी चाहते हैं कि कौन बैंक हमें देगा ये कोई हमें बताए। आज उसी के बारे में हम लोग बताने बैठे हैं। वैसे कस्टमर जिनका फॉर्म रजिस्टर्ड है, वैसे कस्टमर जिनका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर उनका आईटीआर भी वो नहीं डालते हैं, उनका फॉर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और फिर अगेन उनको लोन चाहिए बैंक से, तो कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरवराज चौहान स्वागत करता हूं आपका यूरेकेडिक चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि ईएमआई पे आप बोर्ड कैसे ले, ईएमआई पे स्मार्ट क्लास सॉल्यूशंस हम लोग कैसे प्रोवाइड कराते हैं, ईएमआई और फाइनेंस फैसिलिटी के साथ जो स्टूडियो सॉल्यूशंस, कैमरा, माइक, लाइटिंग, डिजिटल बोर्ड कैसे हम लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। ये हम लोग लास्ट 3 ईयर से अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स की क्वेरीज आती है, कॉल्स आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि हम लोग फाइनेंस फैसिलिटी कैसे अवेल कर सकते हैं। बहुत जगह हमने फाइनेंस फैसिलिटीज के लिए सुना और जो अदर मार्केट्स में है, बट वो अवेल नहीं कर पाते हैं, उनको उसमें प्रॉब्लम्स आती है। वो कहते तो हैं देने के लिए, नहीं दे पाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ जो फाइनेंस और ईएमआई की फैसिलिटी है, उनमें कौन कौन से तरीके हैं और मार्केट में कौन कौन से तरीके हैं और कैसे आप उन तरीकों से ये फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहला, जब भी फाइनेंस की बात आती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाता है। जब डिजिटल बोर्ड आपको लेना है, उसके लिए अगर फाइनेंस चाहिए, ईएमआई चाहिए, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो बैंक का आता है, लोन और बैंक। तो जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक के थ्रू जब रिकमेंड करते हैं, कोई कस्टमर आया कि मुझे डिजिटल बोर्ड चाहिए, हमने कहा इसके लिए आपको बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या हेल्प करते हैं कि जो भी जिसमें भी आपके बैंक में अकाउंट है या नियर डियर में जो भी आपका बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, आपको वहां हम लोग बोलते हैं कि आप जाएं डायरेक्ट वहां पे, पूछें कि हमें जो है ये सारा सॉल्यूशंस लेना है, ये सारे सर्विसेज लेना है, ये प्रोडक्ट लेना है, डिजिटल बोर्ड लेना है, कैमरा, माइक, लाइट लेना है, जो भी आपको चाहिए हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके लिए हमें अब फाइनेंस चाहिए, ईएमआई फैसिलिटी चाहिए। तो बैंक जो है वो दो तरीके का आपको ऑप्शंस देता है, एक तो बिजनेस लोन, दूसरा पर्सनल लोन। बिजनेस लोन क्या होता है कि जो भी प्रोफेशन में आप हैं, जैसे आप टीचिंग में हैं, वो कहता है कि टीचिंग में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके कोचिंग का, आपके फॉर्म का। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी में डालता है और वो आपको फाइनेंस करेगा। अब जब आपको बैंक लोन देगा, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। वो कोचिंग्स जो रजिस्टर्ड हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उनको देंगे। उसके बाद हमारी कंपनी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उनको रिक्वायर्ड होता है कोटेशन या परफॉर्मा इनवॉइस। जितना भी आपका कोटेशन आ रहा है उस प्रोडक्ट का, वो एक कोट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल बोर्ड और कैमरा ले रहे हैं, इन दोनों को लेने में अगर 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, 2 लाख का कोटेशन आपको हमारे यहाँ से दिया जाता है। वो आप कोटेशन, आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा लेकर के आप जाते हैं और आपके सिबिल को वो चेक करते हुए आपको वो लोन प्रोवाइड करता है। एक बात और ध्यान रहे, जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, वो आपको कोटेशन का मैक्सिमम 75% तक के लोन देता है। इट मीन्स 25% आपको डाउन पेमेंट करना होता है कंपनी में, और बैंक जब आपको लोन करता है तो उसमें 75% वो डायरेक्ट वो चेक या डीडी बनाता है उस कंपनी को जहां से आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसके अकाउंट में आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट, कोई कस्टमर है जिनको कि लाइटिंग भी लगवाना है, माइक भी लगवाना है, कैमरा भी चाहिए, डिजिटल बोर्ड भी चाहिए, तो उस हिसाब से जितना एबिलिटी है कि वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और जो उनकी आस्क है या रिक्वायर्ड है कि बैंक से हमें इतना पैसा चाहिए, उस अकॉर्डिंगली हम लोग कोटेशन बनाते हैं और उस अकॉर्डिंगली बनवाना चाहिए और फिर वो बैंक देती है।
अब आया कि जिनका रजिस्टर्ड है और सिबिल अच्छा है उनको तो बैंक दे दिया, बट बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जो विदाउट रजिस्ट्रेशन चलते हैं, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बैंक फिर पर्सनल लोन देती है, ठीक है। बट इस पे बात करने से पहले जो बिजनेस लोन आपको मिल रहा है उसका थोड़ा सा आरओआई का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जब डॉक्यूमेंट आप फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं तो आरओआई, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है? तो जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें चल रहा है वो करीब 10.5-11% से लेकर के आपको अराउंड 13-14% तक चल रहा है जो आपको बिजनेस लोन मिलता है, वो भी रिड्यूसिंग होता है। तो वो आपको ओवरऑल अगर 1,00,000 रुपया साल भर के लिए लेते हैं तो वो आपको रिड्यूसिंग होता है, इसलिए वो कम पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो साल के आपको 6,000 रुपया जो है 1,00,000 का, 6,500 रुपया उस अकॉर्डिंगली, मतलब ये थोड़ा बहुत वैरी करता है, तो इतना आपको देना पड़ता है। अब हम लोग जो दूसरा बात कर रहे थे कि अगर आप की कोचिंग, आपका इंस्टीट्यूट, आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और अगेन लोन लेना है और बैंक से लेना है जो हमने रेकमेंड किया है, तो बैंक से लेना है तो उस केस में क्या होगा कि फिर वो आपको पर्सनल लोन, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हाई है, 10.5-11% से लेकर के वो 20-21% तक चला जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ता है। अगेन आपको वो भी जो लोन है आपका, अगर सिबिल सही है, सिबिल स्कोर सही है, आप आईटीआर डालते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तब वो मिलता है, अदर देन नहीं मिलता है। अब ये दो तो हमने बात कर लिया। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे भी ज़्यादा है तो हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं। वैसे कस्टमर जिनका फॉर्म रजिस्टर्ड है, वैसे कस्टमर जिनका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर उनका आईटीआर भी वो नहीं डालते हैं, उनका फॉर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है और फिर अगेन उनको लोन चाहिए बैंक से, तो कैसे होगा? तो एक जो हमारी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कि जिसके थ्रू आप जाकर के ले सकते हैं, और वो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके थ्रू आप लोग लोन 50,000 से लेकर के 10,00,000 तक उसमें लोन मिलता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। उस चीज़ के लिए जरूरी नहीं है कि आपका जो है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो, आपका सिबिल अच्छा हो, ये सब चीज़ें चेक नहीं होता है। ये उस उन लोगों के लिए है जो अपना फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं पता है कैसे करें, क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक वेबसाइट है mudra.org.in, इस वेबसाइट पे जा करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ले सकते हैं। वो लेकर के आप नियर बाई नेशनलाइज बैंक में आप जाएंगे और मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे जो कि 3.5-4% से शुरू होता है, मिलेगा। तो ये बहुत ही लो इंटरेस्ट पे होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब कोई कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं और कहते हैं कि सर हमें बैंक का पता नहीं है और कौन बैंक देगा नहीं देगा, बैंक में जा रहे हैं प्रॉब्लम हो रही, उनको जाने में भी अगर दिक्कत है, वो बैंक नहीं जा सकते हैं और फिर भी चाहते हैं कि कौन बैंक हमें देगा ये कोई हमें बताए, आज उसी के बारे में हम लोग बताने बैठे हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है, paisabazaar.com एक वेबसाइट है, आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे जो वेबसाइट ओपन होगा वहां पे इंटरेस्ट आप शो करेंगे, डालेंगे कि हमें लोन चाहिए, वहां पे ऑप्शंस आता है, इजीली आप डाल सकते हैं। उसके बाद paisabazaar.com आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बहुत सारे बैंक का कॉल्स आएगा और वो पूछेंगे कि किस तरह का लोन चाहिए, क्यों चाहिए, और एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वो लोन फाइनेंस कर देगा। लोगों को लगता था कैसे जाएं हम बैंक के पास, जिनको पता है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कॉल से पूछते थे, कमेंट्स में पूछते थे हम लोगों से, तो उनके लिए बहुत आसान है। आप जान जाइए paisabazaar.com पे जाना है, वहाँ पे अपनी सिंपली इंक्वायरी फिल कर देनी है और आपके पास खुद ब खुद कॉल्स आएंगे और आपका फाइनेंस इजीली हो जाएगा, आपके पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। डिजिटल एज में आप भी डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे और
उसमें हम आपकी मदद करेंगे, यूरेका टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी और हम लोग साथ में डिजिटल एज में आगे बढ़ेंगे। और फिर भी अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो आप हमारे यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है, जो क्रेडिट कार्ड, बहुत जगह आपको कहा जाता होगा क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा, वैसे ही आप हमारे यहाँ जब आते हैं और जिस भी कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है, कोई किसी भी बैंक का अगर फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से आपका ईएमआई कन्वर्ट हो जाता है, फाइनेंस हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है, एक बैंक आपको लिमिट सेट करके देती है। तो जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख का पूरा स्टूडियो सेटअप अगर आप ले रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 2 लाख की होनी चाहिए, वो 2 लाख लिमिट आपका हमारे यहाँ एक स्वैपिंग मशीन है, उसमें स्वैप होगा और वो 2 लाख कन्वर्ट हो जाएगा आपका ईएमआई में। और ये कितने महीने के लिए होगा, तो मैक्सिमम आपका मिनिमम 3 महीने से लेके मैक्सिमम 36 मंथ तक होगा, जितने भी महीने का आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और उस अकॉर्डिंगली आपके बैंक अकाउंट से वो छोटा 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 ईएमआई आपको देना है। इसमें जो आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका करीब 12% से लेकर के 16% के आसपास जाता है, ये भी रिड्यूसिंग होता है। तो अगर एक फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया अगर आप लेते हैं और रिड्यूसिंग है, तो वो करीब 7,500-8,000 आएगा और कुछ कैश बैक भी आ जाता है। और जब भी क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड खुद का होना चाहिए। अगर आपके खुद का है फिर भी अच्छा, आपके पास नहीं है, अगर आपके नियर डियर का है, किसी दोस्तों का है, कलीग का है, आप उस क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं ईएमआई कराने के लिए, उसको ईएमआई में पेमेंट टर्म्स को बनाने के लिए। इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अब रही बात वैसे कस्टमर जिनके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, अब वो कैसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं या वो कैसे क्रेडिट कार्ड ले, तो यहाँ भी बहुत आसान है। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और उनको पता नहीं है कि कैसे बनेगा या बैंक हमारा बना नहीं रहा है जहाँ पे मैंने गया, इजिली एक काम है, आपको paisabazaar.com पे जाना है अगेन और वहां पे आपको अपने इंटरेस्ट शो करना है कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड की वहां से आपको कॉल्स आने लगेंगे और अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और क्रेडिट कार्ड अगर जब आप अप्लाई करते हैं, कोई भी बैंक आपसे अप्लाई करवाता है, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो इजिली 7 to 15 days में आपको बन करके मिल जाता है। अभी हमने 2-3 प्रोसेस के लिए बात किया। पहला जो था बैंक में बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, इनको कराने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो करीब 10 से 15 दिन मिनिमम जाएगा। जो मुद्रा लोन है उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका करीब 15 दिन, महीना दिन से ऊपर भी चला जाता है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है बट बहुत सस्ता में आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। सबसे जो फास्ट, डॉक्यूमेंट लेस और इंस्टेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा भी नहीं पैसा लग रहा है, इंस्टेंट हो रहा है और कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है। और इसमें अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हैं कि 100% हमें हमारा जो पेमेंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाए, मुझे कोई डाउन पेमेंट ना देना पड़े, ये भी फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाती है। तो ये एक ईजी टर्म्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि जैसे हम लोग मोबाइल या टीवी लेने जाते हैं या कुछ और अप्लायंसेस लेने जाते हैं घर के, तो वहां पे हमें बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट और इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस बैंक मिलते हैं, तो वहां पे आपके यहाँ ऐसा है या अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट और कोई भी इस तरीके के जो माइक्रो फाइनेंस है, वो इस प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी पे जो है वो फाइनेंस नहीं करता है। अगर जब फाइनेंस नहीं करता है तो इस पे हम लोग इसलिए वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब आप लोगों को लगता होगा कि क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये कैटेगरी उनकी फाइनेंस के लिस्ट में नहीं है और इतना आसान भी नहीं होता है कि वो कंपनी में अचानक कोई पॉलिसी नॉर्मली इंप्लीमेंट हो जाए। इसको करने में उनको सालों लग जाता है। जिस दिन तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक तो बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट, इस तरीके से जो भी फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, वो नहीं करती इस कैटेगरी पे फाइनेंस। आगे हो सकता है कि वो करें आने वाले दिनों में, महीनों में। तो बिल्कुल अगर ऐसा होगा तो आपको बताएंगे और उसका
फैसिलिटी आप भी उठा सकते हैं। कुछ अवेयरनेस की बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जो मार्केट में कंपनियां हैं वो ये बोलती हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, बैंक से हम फाइनेंस करा देंगे, ये प्रोसेसिंग फी है 2,000, 5,000, 6,000 प्रोसेसिंग फी आपसे ले लेती है। लोगों को लगता है चलो 5,000, 6,000 दे दो, फिर प्रोसेसिंग फी देने के बाद मेरा फाइनेंस हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी एजुकेटर को डिजिटल बोर्ड चाहिए। ये एक जरूरी सा चीज बन गया है, क्योंकि अगर आज के टाइम में डिजिटल एज में कदम से कदम मिलाना है और साथ में चलना है तो ये जरूरी पार्ट हो गया है उनके सिस्टम का। वो पैसा मांगते हैं, मांगने के बाद कहते हैं कि आपका फाइनेंस आपके सिविल के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये पैसा तो ब्लॉक हो गया, आपको नॉन रिफंडेबल है, या अगर आपको लेना है बोर्ड तो हमारे यहाँ से लीजिएगा, तो वो पैसा एडजस्ट कर देंगे। तो थोड़ा इस तरीके के फ्रॉड से बच के रहें। अगर कोई बैंक फाइनेंस के लिए बुला रहा है या इस तरीके के फाइनेंस के लिए बुला रहा है तो ध्यान रखें कि कहीं ऐसा धोखा आपके साथ तो नहीं कर रहा है। और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो कि आपको डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं, आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ फॉर्मेलिटीज उस एप्लीकेशंस को डालने के बाद आपको करना होता है। कुछ तो जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं, बट फिर भी मैं आपको उन एप्लीकेशंस के थ्रू आने से मना करूंगा, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 21% से लेकर के 26% तक, इट इज टू मच हाई रेट। तो और दूसरा, वहां पे भी लिंक का जो है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है कि वो फ्रॉड हो जाता है, थोड़ा उस तरीके से बचिए। मार्केट में जो बैंक के लिए बुला रहे हैं उस तरीके के लोगों से भी बचिए। और सबसे अच्छा है आपको जो बैंक में अगर रजिस्ट्रेशन आपकी फॉर्म का है वो तरीका यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, ये सब आप यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर दिक्कत है आप हमारे यहाँ कॉल कीजिए, और भी कोई तरीका आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ कॉल कीजिए, बताया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।